आप देख रहे हैं MMW चैनल। ये तजियाती रिपोर्ट दुनिया के दो कट्टर हरीफों अमेरिका व ईरान के दरमियान जंग के इम्कानात और दोनों की मिलिट्री सलाहियतों पर अपनी है। आइए पहले हम दोनों मालिक की फौज और मिलिट्री हार्डवेयर का तजिया करते हैं और फिर जंग के इम्कानात और नतायज पर बात होगी। ईरान की आबादी 8 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि आबादी के लिहाज से अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है जहां 32 करोड़ अफराद बसते हैं। दिफाई बजट के एतबार से अमेरिका दुनिया भर में अव्वल नंबर पर है। उसका फौजी बजट किसी भी दूसरे मुल्क के फौजी बजट से ज्यादा है। वो अपनी फौज पर सालाना $610 बिलियन खर्च कर देता है, जबकि ईरान का फौजी बजट सिर्फ $14 बिलियन है। अफरादी कुवत के मामले में ईरान के पास हाजिर सरबस फौजियों की तादाद 5,50,000 जबकि रिजर्व फौजियों की तादाद 3,50,000 है। इसके बरक्स अमेरिका के हाजिर सरबस फौजियों की तादाद 12,80,000 जबकि रिजर्व फौजियों की तादाद 8,00,000 है। मजमूई तौर पर ईरान के पास जंग के लिए 23,00,000 से ज्यादा फौजी तैयार हैं, जबकि अमेरिका में इससे भी ज्यादा तादाद में लोग जंग की तैयारी रखते हैं। अमेरिका के पास चीन और भारत के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा अफरादी कुव्वत मौजूद है। अगर जमीनी फौज के पास हथियारों की बात की जाए तो ईरान के पास 2531 टैंक हैं, जबकि अमेरिका के पास इनकी तादाद 6393 है। ईरान के पास आर्मोर्ड फाइटिंग व्हीकल 1625 जबकि अमेरिका के पास इससे कहीं ज्यादा तादाद यानी 41,760 है। ईरान के पास कुल आर्टिलरी 4096 जबकि अमेरिका के पास इसकी तादाद 3269 है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी में ईरान के पास 570 जबकि अमेरिका के पास 950 सेल्फ आर्टिलरी है। ताहम रॉकेट आर्टिलरी में ईरान अमेरिका पर सबकत रखता है। ईरान के पास 1438 जबकि अमेरिका के पास 1197 रॉकेट आर्टिलरी है। जमीनी अफवाज की ही तरह अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन फिजाइया भी मौजूद है। अगर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो ईरान के पास 850 जबकि अमेरिका के पास इससे कहीं ज्यादा तादाद यानी 12,304 एयरक्राफ्ट है। इसी तरह ईरान के पास 130 लड़ाका तैयारे जबकि अमेरिका के पास 457 ऐसे तैयारे हैं। ईरान के पास मिलिट्री रोल एयरक्राफ्ट की तादाद 73 जबकि अमेरिका के पास ये तादाद कहीं ज्यादा यानी 2,192 है। ईरान के पास अटैक एयरक्राफ्ट की तादाद 52 जबकि अमेरिका के पास ऐसे एयरक्राफ्ट 587 हैं। ईरान के पास 324 हेलीकॉप्टर और अमेरिका के पास इससे ज्यादा तादाद यानी 4,889 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। तहम बहरी ताकत में ईरान किसी हद तक अमेरिका का मुकाबला करता है। ईरान के पास 406 बहरी जहाज हैं जबकि अमेरिका के पास इनकी तादाद 437 है। इसके अलावा ईरान के पास 6 बहरी जंगी बेड़े, 3 छोटे बेड़े और 40 अब्दोजे हैं। वहीं अमेरिका के पास 71 अब्दोजे, 20 एयरक्राफ्ट कैरियर और 85 डिस्ट्रॉयर हैं। इसके अलावा अमेरिका दुनिया में जौहरी वार हेड्स तैयार करने और उसे इस्तेमाल करने वाला पहला मुल्क है। पहला जौहरी हथियार अमेरिका ने ही तैयार किया था। दूसरी आलमी जंग के खात्मे के बाद इसने इंसानियत सोज इकदाम करते हुए जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 न्यूक्लियर बम गिराए जिससे लाखों की आबादी मुतासर हुई। रूस के बाद दुनिया भर में अमरीका के पास ही सबसे ज्यादा एटम बम है। तहम ईरान के पास न ही एटम बम है और न ही वो ये बम हासिल करना चाहता है। अमेरिका ईरान को अपने लिए एक खतरा तसव्वुर करता है। वह इसके मिसाइल दिफाई निजाम पर तशवीश में है। वाशिंगटन में सेंटर प्राइस स्ट्रेटजिक और बैन अल-अक़वामी मुतालियात के मुताबिक ईरान के पास मशरक वस्ती का सबसे बड़ा और सबसे मतनू मिसाइल असलहा मौजूद है। इसके कुछ बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल 2000 किलोमीटर के फासले के साथ साथ जनूब मशरक के कुछ हिस्सों व इसराइल समेत पूरे यूरोप पर हमला करने के काबिल है। इसके अलावा ईरान ने पूरे खिते में मज़ाहमती ग्रोहों का वसी नेटवर्क कायम कर रखा है। ये तमाम ग्रोह अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब के खिलाफ हैं। अमेरिका को तशवीश है कि ईरान यमन में हौसियों के अलावा शाम में बशर अल असद की हुकूमत लबनान में हिजबुल्ला को तवील अरसे से असलहा व मदद फराहम कर रहा है। कई दहाइयों की आलमी पाबंदियों में रुकावटों के बावजूद ईरान अपनी फौज को जदीद बनाने के लिए पुरअज़म है। इसने जदीद फौजी साजो सामान तैयार कर लिया है। ईरान ने बगैर पायलट ड्रोन के जरिए अपनी सलाहियतों में जबरदस्त पेशरफ्त की है। ईरान अपने बड़े मिसाइल हथियारों पर फख्र करता है। इसके पास दिन ब दिन इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। वहीं अमेरिका का फौजी नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है।
इसने दुनिया भर में 800 के करीब फौजी अड्डे बना रखे हैं। इसके सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, मिस्र और इसराइल अहम इलाकाई इत्तेहादी माने जाते हैं। इन सभी ममालिक में इसके फौजी अड्डे मौजूद हैं। अमेरिका की तारीख ही जंग और जदल में गुजरी है। इसके पास जंगों का वसी तजर्बा है, लेकिन ईरान भी कम तजर्बा नहीं रखता, बल्कि इस्लामी इंकलाब के बाद इसने बराह रास्त सदाम और फिर बिर रास्त तौर पर शाम और इराक में सरगर्म रहने वाली दहशतगर्द तंजीमों को शिकस्त देने के साथ साथ पूरे अरब की अफवाज को हरा देने वाली इसराइली फौज को हिजबुल्ला के हाथों शिकस्त दिला दी। दुनिया भर के तजिया निगार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अमेरिका और ईरान में होने वाली कोई भी जंग सिर्फ इन दो मुल्कों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ये पूरे खित्ते में फैल जाएगी। हर वो मुल्क ईरान के मिसाइलों की जद में आएगा जिसकी सरजमीन ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल होगी। खुद ईरान भी बारहा ये बात दोहरा चुका है कि जिस भी मुल्क की सरजमीन उसके खिलाफ इस्तेमाल हुई, वो जंग में अमरीका का इत्तेहादी और ईरान का दुश्मन तसव्वुर किया जाएगा। बेशक अमेरिका के पास दुनिया की बेहतरीन फौज और मिलिट्री हार्डवेयर है, जबकि ईरान को मिलिट्री ताकत के एतबार से 14वां मकाम दिया गया है, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान कोई भी जंग अमेरिका या यूरोप के मकाम पर नहीं बल्कि मशरक़ वस्ता में ही लड़ी जाएगी, जिसमें यकीनी तौर पर ईरान को इसलिए बरतरी रहेगी क्योंकि वह अपने ही मुल्क या अतराफ में लड़ेगा, जबकि अमरीका को अपने वसाइल और फौजों को अपने मुल्क से हजारों मील दूर मुंतकिल करना पड़ेगा। घर से इतने दूर जाकर लड़ना कभी भी किसी के लिए आसान नहीं माना जाता। दुश्मन के मुकाबले में कम वसाइल होने के बावजूद भी इस जंग में अमेरिका के लिए मशरक वस्ता में कायम अपने फौजी अड्डों को महफूज रख पाना नामुमकिन होगा। इस सूरत में उसे इस खित्ते से अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी शिकस्त होगी, जिससे इसकी अंदरूनी सूरत हाल और आलमी साख भी बुरी तरह मुतासिर होगी। इस जंग में ईरान को भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन इसके बाद अमेरिका का खित्ते में बाकी रहना नामुमकिन लगता है, क्योंकि ईरान के मिसाइल इसके हर एक अड्डे को तबाह कर देने के लिए काफी है, जिसका मुशाहदा हम इराक में इसके दो फौजी अड्डों की तबाही से कर भी चुके हैं।